हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। सो आज हम जो कैनवस बना रहे हैं एम्ब्रॉयडरी का, उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो मैंने लिख दिया है, आप आराम से वो देख सकते हैं। सो सारा सामान आपने देख लिया जो हमें चाहिए। हम कैनवस के अकॉर्डिंग अपना तैयार करेंगे प्रिंट जो हमें कैनवस में ट्रांसफ़र करना है। और मैंने नॉर्मल हैंडराइटिंग ली है, आप प्रिंट आउट करके भी ले सकते हो। तो उसमें आपने कैनवस में पीछे जो आपने पेपर पे बनाया है वो टेप से चिपका दो ताकि इजी रहे जब आप पिन करो। एंड देन आप उसको पूरे को, जो भी आपकी ड्राइंग है, जो भी आपको बनाना है, जैसे मैंने कैलेंडर बनाया है, नाम लिखा है, वो सारा इंडिविजुअली आपको पिन करना है, एक एक चीज़। सो टू बी ऑनेस्ट, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बट बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से उसको पिन करो। तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है तो भी लगाओ, पर ध्यान से ये करो क्योंकि मेन इसी बेस यही जाएगा आपका, जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत इजी हो जाएगी बिकॉज सिंपल स्टिच होते हैं वो, उसमें टाइम नहीं लगेगा। मेन आपको ये पिन का ही करना है, पर आपको इक्वल गैप देके, कि ऐसा नहीं है एक में ज़्यादा गैप दे दिया एक में कम, इक्वल गैप देके आपको वो नंबर्स और नेम सब में आपको पिन डालना है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, कैलेंडर बहुत अच्छे से देख लेना आपको किस साल का और किस मंथ का कैलेंडर चाहिए, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं एक बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मैंने जिस साल में बनाना था, जिस साल में मुझे चाहिए था वो छोड़ के मैंने लेटेस्ट ईयर का, लाइक मेरे मंथ सेम था बट मैंने ईयर चेंज कर दिया था। तो मैं अगर 2022 में बना रही हूँ तो मैंने बाय मिस्टेक 2022 का, फॉर एग्जांपल मैं मार्च बना रही थी तो मैंने मार्च, मुझे पुराना बनाना था, मैंने मार्च 2022 प्रिंट कर दिया था पूरा। तो वो ध्यान रखना बिकॉज वो सबसे मेन तो वही है, बिकॉज आप जिसको गिफ्ट कर रहे हो वो डेट, वो साल, वो महीना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वो आई वुड से कि बहुत ध्यान से आप देखना कि कौन से उसमें आ रहा है, बिकॉज आपके, आप देखोगे मैंने ऊपर संडे मंडे वीक्स के वो भी लिखे हुए हैं नाम, तो आप वो उसमें मत गड़बड़ करना बस। एंड ऑनेस्टली आप स्ट्रेट अवे कैनवस पे भी लिख सकते हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर पे लिख के ही कैनवस पे वो करना है, बट मुझे ऐसा इजी लगता है कि आप कैनवस पे पेन वगैरह के उतने मार्क नहीं आते और मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। तो अगर आपको इजी लगता है कि आप स्ट्रेट अवे कैनवस पे लिखना चाहते हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपको इरेज करना है, फिर निशान रहने का डर है। तो जस्ट ये रीज़न था जो मैंने पहले पेपर पे डाल के फिर कैनवस पे डाला। सो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप कैसे डालना चाहते हैं, आप स्ट्रेट अवे कैनवस पे भी लिख सकते हैं। एंड अब अगर मैं एम्ब्रॉयडरी की बात करूँ जो अब हम कर रहे हैं, सो इट्स क्वाइट ईजी, आपको जस्ट एक होल में से निकाल के दूसरे में डालना है, स्ट्रेट स्टिच जैसे कहते हैं आपको वो करनी है। तो इसमें डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से बताऊँ तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जो बिगिनर है वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं, जिन्होंने कभी एम्ब्रॉयडरी नहीं करी वो भी आराम से कर सकते हैं। और मैंने थ्रेड काउंट अगर लें तो इसमें मैंने जो एक स्ट्रैंड होता है, मैंने एम्ब्रॉयडरी का जो फ्लॉस होता है उसमें 6 स्ट्रैंड्स आते हैं, तो मैंने 3 स्ट्रैंड्स लिए थे, तो गिनती के 3 धागे हैं इसमें, टोटल 6 धागे होते हैं, मैंने उसमें से 3 लिए हैं। तो आप पूरे के पूरे 6 भी ले सकते हो, वो थोड़ा सा मोटा लगता है मुझे इसलिए मैं नहीं लेती, और 3 मुझे परफेक्ट लगता है। तो आप ट्राई मार सकते हो, आप 2 स्ट्रैंड्स ले सकते हो और 3 ले सकते हो या 6 ले सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जो भी मैंने डेट्स लिखी थी वो सारी की सारी मैंने ब्राउन एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस से लिखी थी, बट जो एनिवर्सरी डेट है वो मैंने लिखी है रेड से, ताकि वो पॉप आउट हो, एकदम पॉपअप होगी तो वो बहुत अच्छे से सामने से दिखेगा, सबको पता लग जाएगा ओके ये डेट है। तो आप अगर
सारा का सारा सेम रखोगे इट वुड बी हार्ड, देन आपको सर्कल बनाना पड़ेगा या और भी बहुत तरीके हैं। अगर आपको उसको रेड नहीं करना तो आप उसकी जगह, उस डेट की जगह डेट मत लिखो पूरी, आप दिल बना सकते हो, दिल एम्ब्रॉयडरी से भर सकते हो। तो काफ़ी तरीके हैं वो पर्टिकुलर डेट हाईलाइट करने के लिए, बट आई प्रेफर्ड कि मैं सारी की सारी ब्राउन रखूँ और एक सिर्फ वो रेड रखूँ। बट अगर आप संडे, पूरा संडे की रो रेड रखना चाहते हैं तो आप उसकी जगह दिल बना देना, बिकॉज जैसा आप मेरे में अभी प्रेजेंट वाले में देखोगे संडे वाले दिन पड़ रहा था वो डेट, तो इसीलिए मैंने सारा का सारा ब्राउन रखा। और आप अपनी पसंद का या जिसको भी आप गिफ्ट कर रहे हो उसकी पसंद के कलर यूज़ कर सकते हो। कोई भी अब जैसे मैंने बताया मेरा सिंपल मैंने हैंड राइटिंग में लिखे हैं नंबर्स, पर आप चाहो तो कोई फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाने का, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपना पर्सनल टच उसमें कैसे ऐड करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरा देखा तो एग्जैक्ट सेम ऐसा ही बनेगा, आप हर चीज़ सेम फॉलो करोगे तो भी डिफरेंट बनेगा, बिकॉज मे बी आपकी हैंड राइटिंग मेरी हैंड राइटिंग से थोड़ी अलग है तो ज़्यादा अलग बने, या आप फॉन्ट यूज़ करते हो तो भी डिफरेंट बनेगा, बट प्रोसेस यही रहेगा। एंड नाउ अगेन मुझे पॉपअप करना था जो वीक्स हैं उसके जो डेज हैं संडे मंडे, तो मैंने वो भी रेड में लिखे हैं, आप वो भी ब्राउन में भी लिख सकते हो, कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू ऑनेस्टली। जैसे मैं अभी बताया ही है कि कलर चॉइस इज़ कम्प्लीटली ऑन यू कि आपको कैसे अपना बनाना है, आप उसमें कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मुझे लगा कि रेड थोड़ा पॉपअप होगा ब्राउन के साथ, तो इसलिए मैंने सिर्फ रेड यूज़ किया था, एंड देन मैं हाईलाइट भी रेड से ही किया क्योंकि मुझे लगा कि वो डिफरेंट हो जाएगा और हाईलाइट अच्छा लगेगा उसमें। सो मैं ये किसी की एनिवर्सरी के लिए बना रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है आपको एनिवर्सरी के लिए ही बनाना है, आप किसी के बर्थडे के लिए भी बना सकते हैं, किसी का फर्स्ट बर्थडे हो या 21st बर्थडे हो, किसी भी ओकेजन के लिए आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ये। एंड ट्रस्ट मी आप जिसको भी गिफ्ट करेंगे उसे बहुत पसंद आने वाला है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई हूँ, जो कैनवस होता है उसके चारों ओर लकड़ी होती है, तो आप वहाँ पे पिन डालना और निकालना इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज वहाँ पे लकड़ी है, आपको बार बार लग सकती है या वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो आप जो भी ड्राइंग बनाओ मेक श्योर उसके बीच में बनाओ। तो अगर आप मेरा देखोगे जो ये मैं एच बना रही हूँ ये कॉर्नर से काफ़ी दूर है, बिकॉज वहाँ पे मोटी चारों ओर लकड़ी होती है कैनवस में, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेम वाला कैनवस है, नॉर्मल सिर्फ कैनवस का वो नहीं है, कपड़ा नहीं है ये। तो इसमें आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने अगर गलती से ड्राइंग अपना पूरा का पूरा कैनवस में स्टार्ट टू एंड फिनिश कर दिया, देन आप जब बनाने लगोगे, बिकॉज आप ड्रॉ तो कर पाओगे, ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज पेंटिंग आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो अगर आपने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया देन आपको एम्ब्रॉयडरी करना हार्ड हो जाएगा, वो वहाँ तक सुई जाएगी ही नहीं, बिकॉज लकड़ी है वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये बात ध्यान में रखो कि जो आपका लकड़ी पार्ट है वो आपको इग्नोर करना है। आप वहाँ पे पेंटिंग कर सकते हो या कलर डाल सकते हो, या जैसे मैंने ब्लैंक छोड़ा है ऑनेस्टली वो बीच में ही आएगा, बिकॉज चारों ओर इक्वल अमाउंट की लकड़ी है तो वो बिल्कुल ऑड नहीं लगेगा। और एक बात, जैसे मेरा कैनवस का साइज़ छोटा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी छोटा लेना है, आप कैनवस बड़ा भी ले सकते हैं, देन आपकी जो हैंड राइटिंग होगी, जो नंबर्स लिखने होंगे वो थोड़ा आप स्पेस दे के, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके, उसका साइज़ बड़ा करके तब आप लिख सकते हो। बिकॉज मेरे पास ये वाला कैनवस था और मेरे को इसी पे ही बनाना था, देन इसलिए मैंने छोटा यूज़ किया, और सारे आप देखोगे मेरी डेट्स बहुत पास पास है बिकॉज मुझे सेम कैनवस में सारा कुछ कवर भी करना था। बट कैनवस का साइज़ आप पे डिपेंड करता है,
कि आपको कितना बड़ा लेना है एंड उसी हिसाब से उस पर आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी। देन आपको फॉन्ट उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने छोटा कैनवस यूज़ किया है तो आपको भी करना है, नहीं, कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आपको किस साइज़ का बनाना है। और अगर आप बिगिनर हैं तो जैसे मैंने आपको बोला ये बिगिनर फ्रेंडली है कि बहुत ईजीली आप ये बना सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ी भी एम्ब्रॉयडरी और आती है तो आप इसमें थोड़े से डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, जैसे फूल बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके के फूल बनते हैं। तो वो सारी आप चेंजेस अपने पर्सनल लाइफ पे चेंज कर सकते हो कि डिपेंडिंग कि आपको कितना शौक है एम्ब्रॉयडरी का या कितना आता है, देन आप उतना चेंजेस उसमें कर सकते हैं। एंड अगर आप एकदम सिंपल पेंटिंग करते हैं तो आप ये आपका जो है बन के आउटपुट तैयार होगा। बट मैंने इसमें थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट चेंज किया था एंड मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी, फूलों का एक बना दिया था। एंड होपफुली आपको ये पसंद आएगी वीडियो, ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट। एंड अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।